नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं के लेटेस्ट अपडेट टाइम टेबल जारी हुआ है, जिसमें 29 जून को 10th क्लास के सामाजिक की परीक्षा है और 30 जून 2020 को गणित की परीक्षा है। ये परीक्षाएं कोविड-19 के कारण जो मार्च में होने जा रही थी उनको स्थगित किया गया। अब इनको कोविड-19 की दृष्टिगत रखते हुए, इनके निर्देशों की पालना करते हुए, डिस्टेंसिंग जारी रखते हुए इनकी परीक्षा होगी। तो 29 जून को सामाजिक और 30 जून को गणित। इसमें उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें। परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केंद्राधीक्षक वीक्षक उड़नदस्त के सदस्यों परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा और प्रश्न पत्रों का कार्यक्रम अनुसार ही देने पर बोर्ड बाध्य नहीं है, क्योंकि इस बार कोविड-19 का जोर है, नहीं तो उन्हें टाइम पर ही देना होता है। और बाकी निर्देश जो हर परीक्षा में होते हैं उसी प्रकार ही है। और अब हम देखते हैं क्लास 12th का टाइम टेबल, जिसमें 18 जून 2020 को गुरुवार को गणित का होगा और शुक्रवार 19 जून 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी की और शनिवार 20 जून 2020 को ऑटोमोबाइल सौंदर्य, जिसका सौंदर्य स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रौद्योगिकी की सूचना प्रौद्योगिकी समृद्ध से जिस प्रकार का होगा, और 21 जून को रविवार का अवकाश रहेगा। 22 जून सोमवार को भूगोल और व्यवसाय अध्ययन का होगा और 23 जून मंगलवार को ग्रह विज्ञान का होगा और बुधवार 24 जून को चित्रकला का होगा और 25 जून को हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य, प्राकृत भाषा, टंकण लिपि, और शुक्रवार 26 जून को संस्कृत साहित्य और शनिवार 27 जून को अंग्रेजी साहित्य, टंकण लिपि हिंदी, और 28 जून को रविवार का अवकाश रहेगा और 29 जून को कंठ संगीत, नृत्य, कथक, वाद्य संगीत का होगा और मंगलवार 30 जून को मनोविज्ञान का होगा। इसमें भी इसकी परीक्षा भी कोविड-19 के कारण स्थगित की गई थी और बाकी नियम उसके जैसे हैं और उनको इस बार सेंटर कोविड-19 के कारण डिस्टेंसिंग जारी रखते हुए सेंटर बदले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पिछले की तुलना में बहुत कम ही सेंटर पर विद्यार्थियों की, परीक्षार्थियों की संख्या होगी। इस कारण प्राइवेट स्कूल में भी सेंटर मिल सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह के एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें।